असदुद्दीन ओवैसी कभी राहुल गांधी को चैलेंज कर रही तो कभी मोदी को चैलेंज कर रही कि आओ हैदराबाद पार्लियामेंट से आप इलेक्शन लड़के बताओ। कभी अमजदुल्ला खां को फरद खां को चैलेंज नहीं करते ये लोग। तो आप लोग अक्सर देखे होंगे टीवी में जैसा एक नूरा कुश्ती होती थी पहले ज़माने में, आजकल WWF हो रही है। तो ये पहले से पूरा मैच फिक्सिंग होता है, पुराने शहर का इलेक्शन डिज़ाइन होता है, डिज़ाइन 6 महीने पहले डिसाइड होता कौन इंस्पेक्टर आने वाला है नाके पे, 6 महीने पहले से हो जाता डिज़ाइन, ACP कौन आएगा, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस कौन रहेगा, हैदराबाद में कमिश्नर ऑफ पुलिस कौन रहेगा। अगर वो MIM के फेवर में काम किया तो बाद में वो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भी बन सकता। ये पुलिस के आला अहदेदारों को इतनी बात मालूम है कि अगर हम मजलिस का साथ दें, चाहे कोई भी सरकार बनने दे स्टेट में या मरकज में कोई भी सरकार बनने दे, मजलिस हमारा काम करवा के दे सकती है। ये अब तक का जो इलेक्शन का मंजर हुआ, भारी रकम दी जाती है और उनका काम यही रहता पुलिस डिपार्टमेंट का कि मुखालिफ जो कैंडिडेट है उसको परेशान करो। सही कि संदीप शेंडेलिया हैज बीन अपॉइंटेड एज द कमिश्नर ऑफ पुलिस। अब्बा मैं बोला पहलवान को लाके डाले जी यहां पर, अब आता है इलेक्शन का मजा। हरियाणा के पहलवान है बेचारे, देखे कैसी है पर्सनैलिटी कमिश्नर की, याद है पुराने DCP है अपने, एक चल बैठ बोले थे असद को गाड़ी पे, चल यार चल निकल यहां से निकल, चल बैठ बोले, लेके गए ना परसों 2 जनों को, वो भी देखे ना कैसा लेके गए, चील मुर्गी के बच्चे को लेके जाते ऐसा ले लेके चले गए। तो अब मुझे भरोसा आया कुछ कि ये पहलवान की निगरानी में कोई शरारत नहीं होगी, अगर कोई शरारत होगी तो पहलवान डाल के ऐसा कस देगा इन लोगों को, जो आफिसरा मदद करेंगे, जो आफिसरा अगर कुछ करेंगे, साबिका 8-10 दिन में जो रिकॉर्ड में जो जुलूसा निकल रही पटाखे फूट रही, परसों जो है मलकपेट के MIM के कैंडिडेट एक रैली निकाले पटाखे फोड़े, अरे भाई आप 15 साल के MLA है ना, MLA को क्या ज़रूरत है बोलो आप, ना उसको जलसे की ज़रूरत है, ना उसको जुलूस निकालने की ज़रूरत है, ना उसको कुछ करने की। अगर मैं काम करावा हूँ तो मैं ये सब नहीं करना, मैं सोशल मीडिया के द्वारा या डोर टू डोर छोटे छोटे मीटिंग लेके, अरे भाई मैं इतना काम करावा हूँ मुझे और एक मौका दीजिए, जमात मेरे को टिकट दी नहीं, इन्हों निकले एक बड़ा जुलूस लेके, वो आजकल एक नया वो किरेन से हारा पहन रहे, किरेन से वो बड़े गणेश को पिनाते दो खैरताबाद पे वैसा एक बड़ा किरेन लाके वो किरेन के हारा पहन रही, एक नया शुरू करे एक। तो 7 पुलिस स्टेशन से वो जुलूस गया, जहां जहां पर वायलेशन हुआ पुलिस वालों के ऊपर भी एक विगिल लगा दिए इलेक्शन कमीशन वाले। अब मैं यहां पर जो भी तकरीर कर रहा हूं ये पूरी रिकॉर्ड हो रही, इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक अलग आदमी है मेरे वायलेशंस को देखने के लिए, और इमीडिएटली वो जाके रिटर्न कंप्लेंट दे रहा पुलिस स्टेशन में। तो जितने भी लोग वायलेशन किए हैं सारों पे केसेस बुक हुए, सारों पे, अल्लाह महफूज रखा अभी तक मेरे पे नहीं हुआ समझिए आप। नहीं तो हमेशा क्या होता था, अरे हम कुछ भी नहीं करते, क्या भी नहीं करते, हमारे पे पहले केस, लास्ट टाइम फरद खान साहब या चार मीनार MRO ऑफिस में नॉमिनेशन डाले, कोई दूसरा जुलूस जाते जाते पटाखे फोड़ा, हमारे ऊपर केस बुक कर दिए पुलिस वाले, 3 साल हम कोर्ट को फिरे। तो अब पहली मर्तबा जब पहलवान की निगरानी में ये जो इलेक्शन होने को आ रहा है तो अमजदुल्ला खान को थोड़ा भरोसा आया। पहले तो मैं अल्लाह और उसके हबीब पे भरोसा किया, अब दुनियावी एतबार से भी कुछ होता कि नहीं अब जो इलेक्शन होगा हैदराबाद में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, अब जो बोकसिंग करने के लिए लोग आएंगे 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, कानून बहुत सख्त हो गया, इफ एनीबडी फाउंड इम्पर्सनेटिंग ऑन द पोलिंग डे ही विल बी सेंट टू जेल फॉर 6 मंथ्स, 6 महीने जेल में रहने के लिए तैयार रहिए। वो जो लोग आ रहे ना, और एक इसमें यह हुआ कि प्राइवेट पार्टीज को भी, जैसा मैं कैंडिडेट हूं या कोई और कैंडिडेट है, उनको भी इलेक्शन कमीशन से परमिशन मिल रहा कि आप अपना वीडियोग्राफर रखिए, जो गलत तोड़ डालने के लिए लोग आ रहे
आप उनको रिकॉर्ड में लाइए, वो कौन से आधार कार्ड से। अरे नहीं तो क्या हो रहा, एक बेचारे चिच्चा जो है, एक चिच्चा हर साल इलेक्शन में जाते, जाके वो MIM के एजेंट को पूछते, पोलिंग एजेंट को, अरे मियाँ आपकी चाची आए थे क्या वोट डालने, तो बच्चा बोलता वो पोलिंग एजेंट MIM का, अब भी आके गए, तो चिच्चा बेचारे मायूस हो गए, मायूस होके बोले चाची आए वोट डाल के चले गए। तो बच्चा पूछा, चिच्चा आप कहीं को इतना ज़्यादा मायूस हो रही, तो बोले मियाँ 15 साल हुआ मर के, मैं हर साल हर इलेक्शन में पाबंदी से आके ठहर रहा हूँ, चाची कब आके वोट डाल के जा रहे नहीं मालूम हो रहा। अब वो चाची नहीं आते, अब चाची को भी मालूम हो गया, आए तो 6 महीने अंदर चले जाते बोले। तो ये इलेक्शन प्रोसेस